अक्सर कच्ची शराब के चलते मौत अपना तांडव दिखाती है। बीते कुछ समय पहले ही कच्ची शराब के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद से ही आबकारी विभाग हरकत में आ गया और इसी कड़ी में हरिद्वार आबकारी विभाग ने छापेमारी में दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, आबकारी विभाग ने आरोपियों के ठिकाने से 100 लीटर कच्ची शराब, 500 किलो लहन और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए। बता दें कि मामला पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी गांव का है, जहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह शराब तस्करों ने शातिरता के साथ शराब एक कमरे में खोद कर छुपाई गयी थी, जिसको टीम ने निकाल कर वहीं पर नष्ट कर दिया। पूरा मामला हरिद्वार आबकारी निरीक्षक लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों के साथ कई और लोगों के शामिल होने की जानकारी है, जिनकी तलाश जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर लगभग 100 लीटर कच्ची शराब और 500 केजी लहन बरामद किया गया और कच्ची शराब बनाने के काफी उपकरण मौके पर हमारे द्वारा बरामद किए गए। लहन और जो उपकरण है उनको मौके पर नष्ट किया गया है और कच्ची शराब को जब्त कर लिया गया। मौके पर दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, इसमें और लोगों की संलिप्तता होने की भी पूरी संभावना है, उनके बारे में अभी जांच कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम लगातार इस संबंध में दबिशें करते आ रहे हैं और लगभग प्रतिदिन हमारे द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आबकारी निरीक्षक की माने तो आबकारी विभाग समय समय पर इस तरह की छापेमारी करता रहता है, जिससे जिले में अवैध शराब की तस्करी पर रोक लग सके। अब विभाग की ये कोशिश कितनी कामयाब है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।